तो भाई अभी ये जो मेरी टीवीएस की जुपिटर है इसमें से जो पेट्रोल लीकेज हो रहा है सो आपको दिखा तो अभी यहाँ पे ये देख सकते इतना सारा जो पेट्रोल है वो गाड़ी में से लीक हो चुका है, क्योंकि मैंने अभी टैंक फुल करवाया था और जैसे टैंक फुल करवाया घर पे आया गाड़ी लगाई और 2 घंटे बाद देखा तो सारा पेट्रोल जो है वो नीचे आया था। सो अभी गाड़ी को साइड में कर लिया है, अभी इसमें चेक करने वाला हूँ टोटल प्रॉब्लम क्या है और अभी आपको ये वीडियो में पूरा बताता हूँ कि एक्चुअल में किस कारण के वजह से मेरी गाड़ी में से जो है वो पेट्रोल लीक। तो भाई जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जो पेट्रोल लीकेज का प्रॉब्लम हुआ, मैंने टंकी फुल करवाई थी फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा पेट्रोल जो है ना लीकेज हो चुका है। पेट्रोल कहाँ से लीकेज हो रहा है वो अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ। सो यहाँ पे ना ये पाइप देख सकते हो, ये वाला देखो ये जो पाइप है ना ये यहाँ से कट हुआ है, उसके कारण जो पेट्रोल है वो कंटिन्यूअसली लीक हो रहा है। 1.5 घंटे में मेरा 2 लीटर पेट्रोल जो है वो यहाँ से पूरा लीक हो चुका है। मैंने अभी तुरंत टाकी को पूरा टैंक फुल करवाया था और अभी जब देखा कि टैंक हाफ बता रहा है उसके बाद ध्यान में आया कि और नीचे भी पेट्रोल गिरा हुआ था कि यहाँ से जो पूरा देखो पेट्रोल है ना वो पूरा लीक हो रहा है। सो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, एक नया वाला पाइप लेके आया हूँ अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ। सो ये नया पाइप लेके आया हूँ और ये जो पाइप है अभी मैं इसको यहाँ से जो है वो पूरा चेंज करने वाला हूँ। सो पूरा आपको प्रोसीजर अभी यहाँ पे बताता हूँ। सो उसको निकालने के लिए सबसे पहले ये देखो ये जो क्लिप है ना इसको यहाँ से लूज करना बहुत जरूरी है। अभी ये पेट्रोल पूरा यहाँ से बाहर आ रहा है, सबसे पहले ये क्लिप को यहाँ से लूज करना बहुत जरूरी है और ये देखो ये निकल गया यहाँ से। सो ये वाला पाइप है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आके ये जो कार्बोरेटर में जुड़ा हुआ है यहाँ पे भी आपको देख सकते हैं, यहाँ पे भी जो सेम क्लिप है ये देख सकते हैं, पाइप में दोनों तरफ क्लिप आती है। सबसे पहले आपको जो क्लिप है ना वो पहले पीछे करके लेनी, लूज करके लेनी, उसके बाद जो पाइप है उसको आप जोर से खींचोगे तो ये देखो पाइप यहाँ से पूरा निकल के आ चुका है। ये देख सकते हैं आप पाइप में से पूरा पेट्रोल निकल चुका है। तो भाई ये जो पुराना वाला पाइप है इसमें का ये जो स्प्रिंग है वो आपको निकाल के लेना है और ये पाइप थ्रो आउट कर दो, नया वाला स्प्रिंग आपको इसमें इंस्टॉल करना है। आपको याद रखना है ये जो दो क्लिप आप देख रहे हैं जो दोनों तरफ है आपको इसको सबसे पहले पीछे की ओर थोड़ा सा करके लेना है। मैं अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये देखो ये मेरा पहले वाला क्लिप तो जब था यहाँ पे फिट था, मैंने इसको थोड़ा सा पीछे करके लिया ताकि पाइप लगाने में हमको आसानी हो जाए और पाइप लगाते समय आपको इसमें थोड़ा सा पेट्रोल अंदर पहले से लगा के लेना है जिसके कारण पाइप स्मूथली अंदर चला जाए। सो भाई ये पाइप जो है वो देखो अंदर प्रेस करके लगा रहे हम, अभी ये क्लिप को और थोड़ा सा पीछे कर लेंगे जहां तक पाइप जा रहा है। तो भाई एक साइड का लगाने का होने के बाद अभी ये जो आप कार्बोरेटर की ओर देख रहे हैं ना इसको लगाना है, उस पे भी सेम प्रोसीजर है, पेट्रोल थोड़ा सा पाइप के अंदर लगा लो, जो स्प्रिंग है उसको पीछे पकड़ के रखो, पाइप को अंदर ऐसे पुश करो। तो देख लो पाइप पूरा एकदम अच्छे से अंदर चले गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भाई पाइप जो है हमने वो इसको चेंज कर दिया है। अभी आपको बताता हूँ मैंने गाड़ी का इंजन जो है वो चालू कर दिया है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी पेट्रोल की बूंद है वो लीकेज नहीं हो रही है और पाइप भी हमारा एकदम अच्छे से यहाँ पे लग चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि इधर से भी पेट्रोल है वो लीक नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कुछ पेट्रोल जो है वो लीक नहीं हो रहा है, तो पाइप परफेक्टली हमने यहाँ पे इसको लगा दिया है। तो देख लो भाई गाड़ी की फिटिंग विटिंग करके गाड़ी एकदम ओके रिपोर्ट कर दी। अभी आपको बताता हूँ मैंने अभी टंकी जो गाड़ी की थी वो 2 घंटे पहले फुल करवाई थी। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इतना सारा पेट्रोल है वो मेरी गाड़ी से पूरा निकल चुका है। सो यहाँ पे आप ये पूरा देख सकते हैं कितना पेट्रोल निकल गया, मतलब जब जब मैं बाद में आया तब देखा कि यार भाई कांटा हाफ दिखा रहा है, पेट्रोल भी गया हुआ है, फिर ध्यान में आया कि गाड़ी में से जो है वो पेट्रोल लीक हो रहा है। सो अगर भाई आपको मेरा ये वीडियो आज का कंटेंट अगर ये आज की जानकारी अच्छी लगे तो आप जरूर मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को भी शेयर कर। तो भाई अभी अगर आपकी कोई कौन सी भी गाड़ी हो, 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर हो, अगर आप को उस गाड़ी में कोई भी दिक्कत है या फिर कोई भी परेशानी, सो अभी आपके स्क्रीन पे जो एक नंबर है वो डिस्प्ले हो रहा है, आप उस पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हो या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप की लिंक है, आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। सो अगर आपको कोई भी दिक्कत है आपके कौन से भी व्हीकल की वजह से तो आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा उस पर।
अगर आपको मेरा वीडियो कंटेंट अच्छा लगा है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत।